एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साक्षी फूड गैलरी पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं कस्टर्ड सूजी मोदक, जिन्हें कि हम बिना सांचे के विदाउट मोल्ड हम घर पर चम्मच की मदद से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्केट जैसा दिखने वाला मोदक हमने घर पर बिना मोल्ड के बनाए हैं। तो आप सभी भी मेरे साथ इस रेसिपी को घर पर ज़रूर बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर और 1/2 कप मिल्क को उसमें मिलाकर इसे अच्छे से मिक्स करके रख लिया है, क्योंकि यहाँ पर हम कस्टर्ड सूजी मोदक बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है 1 कप मिल्क और 1/2 कप मिल्क पाउडर। यहाँ पर मैंने मलाई वाला दूध लिया है और इसमें मैं मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम इस पर मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके सारे लम्स डिज़ोल्व कर लेंगे। उसके बाद हमने यही मिल्क यहाँ पर लिया है, कस्टर्ड पाउडर वाला मिल्क लिया है, 1 टेबल स्पून शक्कर ली है और यहाँ पर मैंने 1/4 कप सूजी ली है। यहाँ पर मैंने बहुत ही छोटी वाली सूजी ली है, अगर आपके पास बड़ी वाली सूजी है तो उसे मिक्सर में डाल के अच्छी तरह से उसे पीस लीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में लिए हैं 1 टेबल स्पून काजू, 1 टेबल स्पून पिस्ता, 4 टेबल स्पून देसी घी, 1 टी स्पून इलायची पाउडर और 1 टेबल स्पून बादाम। अब हम एक कढ़ाई पे 4 टेबल स्पून देसी घी डाल के उसके बाद अब हम इस पे सूजी ऐड करेंगे। इस सूजी को हम इस घी पे अच्छे से मिक्स करके इस सूजी को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इसके बाद हम इस पे डालेंगे सारे ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मैं पिस्ता, काजू और कटे हुए बादाम डाल रही हूँ। इन ड्राई फ्रूट्स को भी हम इस सूजी में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर 1/2 कप मिल्क डाल रही हूँ और साथ ही जिस मिल्क पे हमने मिल्क पाउडर मिला के रखा था वो भी हम इस पे मिक्स कर रहे हैं। ये सारी प्रोसेस हम लो फ्लेम पे करेंगे, गैस को हमें तेज बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद हम यहाँ पर डाल रहे हैं शक्कर और साथ ही कस्टर्ड वाला मिल्क। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम लास्ट में इसमें डालेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर। इसके बाद अब हम इसे लो फ्लेम पे लगातार 5 से 6 मिनट तक इसे चलाते रहेंगे तो हमारा मिक्सचर है वो धीरे धीरे गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे अपने हाथ में लेकर इसका बॉल बना के चेक कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर हमारा मिक्सचर बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम अपने मोदक को शेप देते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपने हाथों में घी लगा लिए हैं और इसके बाद हम इसे राउंड शेप पे कन्वर्ट करेंगे। अब इसके बाद हमें इसे मोदक की तरह इसे ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठाना है, जैसा मोदक का शेप होता है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर एक चम्मच लिया है जिसका बैक पोर्शन थोड़ा सा मोटा होगा। अब हम इसे ऊपर की तरफ धीरे धीरे इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिना किसी मोल्ड के हमने यहाँ पर चम्मच की हेल्प से मोदक को शेप दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने घर पे बिना किसी मोल्ड के बहुत ही अच्छे से मोदक बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसके ऊपर आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर कटे हुए पिस्ता इसके ऊपर लगा दिए हैं और आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत हमारे कस्टर्ड सूजी मोदक बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसी तरह हम सारे मोदक को भी शेप दे देंगे बिना किसी मोल्ड के। तो इसी तरह बिना किसी मोल्ड की हेल्प से हम घर पर ही बहुत ही आसानी से चम्मच की हेल्प से दूसरे मोदक को भी उसका शेप दे देंगे। तो यहाँ पर हमारा दूसरा मोदक भी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी तरह हम अपने सारे मोदक को भी बनाकर तैयार कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमारे सारे कस्टर्ड सूजी मोदक बनकर बिल्कुल तैयार है। अब आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स और साथ ही गुलाब के पत्तियाँ डाले हैं। तो इस गणेश चतुर्थी आप भी गणपति बाबा को मोदक का भोग लगाइए, वो भी बिना किसी मोर की मदद से जो मोदक हमने घर पे बना के तैयार किए हैं। तो आप भी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर एक बार बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको मेरे ये बिना किसी मोल्ड के कस्टर्ड सूजी मोदक की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर, वो भी एक नई रेसिपी के साथ। सो हियर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग साक्षी फूड गैलरी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।